कोविड पैंडेमिक के इस दौर में जबकि थोड़े से भी सर्दी जुखाम से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बच्चे जिनका वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है, चाहे ऐसी कोई प्रोटोकॉल नहीं आई है, लोग उनके लिए ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं आपको ऐसी कुछ नॉर्मल होम्योपैथिक दवाइयाँ बताना चाहूँगा जिससे आप प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव के तौर पर यूज कर सकते हैं और ऐसे इन्फेक्शन से बच्चों को बचा सकते हैं यदि नॉमिनल एक्सपोजर हो जाए। दूसरे स्टेप में मैं आपको कुछ कॉमन दवाइयाँ बताऊंगा जिससे यदि बच्चों के अंदर साइन और सिम्टम आने भी लगे तो आप घर पर रह के एक नॉर्मल सेफ हैंड की होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे उनसे बच सकते हैं। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर हेल्थ वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए टाइम नहीं बर्बाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव या फिर प्रिकॉशनरी मेजर से जो मैं दवाइयाँ यूज़ कर रहा हूँ उसमें केवल एक ही दवा का नाम मैं आपको बताऊँगा और उसको लेने का तरीका ध्यान रखिएगा। BC6 नाम की एक होम्योपैथिक दवा है। इस दवा को थोड़े से एक चम्मच शहद में आप मिला के यदि बच्चे को सवेरे शाम चार चार गोलियाँ देते रहें, ध्यान रखिएगा ये मैं 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आप BC6 की 4 गोलियों को आप एक चम्मच शहद में सवेरे और शाम को देते रहें इस ठंडी के एनवायरनमेंट में, तो काफ़ी हद तक बच्चों को इन्फेक्टेड होने से बचाया जा सकता है कफ एंड कोल्ड से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये तरीका मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ और इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी मिला है। मैं आपको भी ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस तरीके को इस्तेमाल करिए और अपने बच्चों को बचाए रखिए। मान लेते हैं कि कोल्ड और कफ का एक्सपोजर बच्चे को थोड़ा ज़्यादा हो गया, चाहे आपका बच्चा कोल्ड सेंसिटिव है या फिर आपके बच्चे को रिकरेंट कफ एंड कोल्ड हो रहा है, ऐसे कंडीशन में 2 दवाइयों के नाम याद रखिएगा और उसको भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि यदि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो तो आप शहद के साथ ही मिला के दीजिए। यदि आपके बच्चे को नॉर्मल सर्दी जुखाम हो गया है या फिर नाक से पानी आ रहा है तो आप उस बच्चे को SBL की ड्रॉप नंबर 8 एक चम्मच शहद में दिन में 3 से 4 बार आप उसकी 10 बूंद मिला के दे सकते हैं। यदि स्नीजिंग और कफिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, यदि स्नीजिंग के साथ साथ बच्चे को कफिंग होने लगती है, यानी कि एक दिन का समय गुजर जाता है और प्रॉब्लम नेजल रूट से लेकर थ्रोट तक एंटर कर जाता है, ऐसे कंडीशन में आप SPL की ड्रॉप नंबर 9 यूज़ करिए। उसका भी लेने का तरीका वही रहेगा, 10 बूंद एक चम्मच शहद में 3 से 4 बार अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी आप देते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप अपने बच्चे की बीमारी को यहीं तक रोक लेंगे और फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जो सबसे लास्ट में मैंने बात बताई थी कि आप किस कंडीशन में आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत है। यदि बच्चे को कंजेशन ज़्यादा हो गया और यदि बच्चे को रैटलिंग हो रही है और ऐसे कंडीशन में यदि आपको लग रहा है कि बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं तो आप ज़रूर किसी पीडियाट्रिशियन या फिर अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए, नो डाउट वो इस कंडीशन को मैनेज कर लेगा। तो इस कोविड के दौर में डरिए नहीं, उसका डट के सामना करिए, बच्चों को बचा के रखिए क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।